इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना के वार, पिछले चार दिन में अगर हम देखें जिस तरह से केसेस में इजाफा हुआ, अमवात में इजाफा हुआ, 72,000 केसेस हम क्रॉस कर चुके हैं, 1583 डेथ्स टोटल हो चुकी हैं पाकिस्तान में। और अब ये जो एक मिथ थी कि पता नहीं किसको कोरोना होता है, अब तो ऐसे ऐसे लोगों को आप सब जिनको जानते हैं उन सब के चेहरे, यानी कि हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री हो, हमारे जानने वाले हों, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोरोना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। आज बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि देखना है कि NCOC में क्या फैसले लिए जाएंगे, आया लॉकडाउन में नरमी या सख्ती का फैसला लिया जाएगा, कीपिंग इन माइंड कि अमवात भी बढ़ रही हैं, केसेस भी बढ़ रहे हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने इन तमाम डिसीजंस के हवाले से कहा, पहले ही वो लॉकडाउन के हक में नहीं थे, 18वीं तरमीम के बाद सूबे अपनी मर्जी कर सकते हैं, अपनी मर्जी करने में आज़ाद हैं। और उन्होंने फिर उन गरीबों का जिक्र किया कि दिहाड़ीदार के लिए, गरीब तबके के लिए ये इंतहाई मुश्किल है, 30 से 35% आबादी कच्ची। कराची का भी उन्होंने जिक्र किया, गो कि कराची अब तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान यहाँ नहीं आए हैं जब से कोरोना का आगाज हुआ, इवन आफ्टर प्लेन क्रैश कराची हैज़ बिन एक्सपेक्टिंग द प्राइम मिनिस्टर टू कम हियर। बट हैविंग सेड दैट, वो कहते हैं कि मईशत को खुलना होगा, पहले ही मईशत बुरी हाल में थी, कई शोबों को हम खोल रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो बंद रहेंगे, जिनको खोला जा रहा है उन्हें SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। वायरस ने उन्होंने कहा फैलना है, फैलेगा, बहुत सारे केसेस और भी होंगे और अमवात भी बढ़ेंगी, लेकिन ट्रेन सर्विसेज के अंदर हम इजाफा कर रहे हैं, इसके साथ साथ मुकम्मल लॉकडाउन या किसी और लॉकडाउन की तरफ नहीं जा सकते, वो जो पहले का था यानी स्मार्ट लॉकडाउन उसी पर अभी हम रहेंगे, चंद मखसूस शोबे बंद रहेंगे, बाकी सब खोल दिए जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि टाइगर फोर्स जो कि 10 लाख वॉलंटियर्स पर मुश्तमिल है, वो अब एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं वफाकी हुकूमत के, वो जगह जगह जाकर पूरे पाकिस्तान में इस आगही को यकीनी बनाएगी कि किस तरह से हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, किस तरह से कोरोना के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। ये सब बातें थीं जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहीं, आज इसी हवाले से बात करेंगे। बढ़ती हुई अमवात, बढ़ते हुए केसेस, क्या NCOC के ये जो फैसले हैं ये सही स्ट्रैटेजी है ऐसे वक्त में जब खुद डॉक्टर जफर मिर्जा ये कह चुके हैं कि जो मकामी मुंतकली है वो 92% से भी तजावज कर रही है, 92% फॉर श्योर है। और एक ऐसे वक्त में जब आज ये बात भी सामने आई है कि वजीर आला पंजाब को एक रिपोर्ट भी पेश की गई जिसमें ये अंदाज़ा लगाया गया है कि 6 लाख और कुछ हज़ार केसेस पंजाब में भी हैं। सो लेट्स टेक अ ब्रेक, जब ब्रेक से वापस आएंगे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हेल्थ फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ होंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन होंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौमी असेंबली के मेंबर अली गौहर हमारे साथ होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर मकामी मुंतकली को कर्टेन करने के लिए या कंटेन करने के लिए या कम करने के लिए क्या वजीर आजम पाकिस्तान के लिए गए फैसले दुरुस्त हैं। वेलकम बैक। NCOC के फैसले, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अब तक जो कोरोना के हवाले से अभी कुछ देर पहले कौम को एतमाद में लिया, मकामी मुंतकली हमारा मसला है इस वक्त और मकामी मुंतकली जो कोरोना वायरस की इस तेज़ी से बढ़ रही है, इस पर जो स्ट्रैटेजी फेडरल गवर्नमेंट की नज़र आ रही है, तमाम सूबों को साथ लेकर चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि NCOC में सिर्फ वज़ीर आज़म फैसले लेते हैं बल्कि तमाम वज़राए आला इसके अंदर शरीक होते हैं, इसी हवाले से बात कर रहे हैं डॉक्टर नौशीन हामिद। गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगी, बहुत जो आज वज़ीर आज़म ने भी कहा कि जो अमीर लोग हैं वो मास्क भी पहनते हैं, वो SOPs पर भी अमल दरामद करते हैं, लेकिन जो गरीब हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे, जिनके लिए टाइगर फोर्स ज़ाहिर है काम करेगी। हैविंग सेड दैट, जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, खुद वज़ीर आज़म भी कहते हैं अमवात भी बढ़ेंगी, केसेस मज़ीद बढ़ेंगे, ऐसे में तमाम शोबों को खोल देना, क्या आपके ख्याल से मतलब ये एक दानिशमंदाना फैसला है? देखिए जी, सबसे पहले तो हम ये देखें कि आज पूरी दुनिया जो है वो इस नतीजे पे पहुंची है कि लॉकडाउन कर देना और टोटली मुल्क को जो है वो क्लोज डाउन कर देना वो इस मसले का हल नहीं है, क्योंकि कोरोना कोई 2 दिन 4 दिन या 2 महीने 4 महीने की बात नहीं है, दिस विल टेक टाइम टू लीव आवर सिस्टम।
तो ये अब अगर इसको अगर साल लग जाता है या कुछ, तो कोई भी दुनिया का चाहे वो कितना ही डेवलप्ड नेशन भी क्यों ना हो, वो इस चीज का मुतहम्मल नहीं हो सकता है कि वो अपने मुल्क को टोटली लॉकडाउन कर। अच्छा, यहीं पर एक चीज, एक छोटी सी चीज जिसका मैं आंसर लेना चाहूंगी, बड़े दिन से मैं सुनती हूँ वफाकी हुकूमत को ये कहते हुए कि हम दुनिया से कंपेयर करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया ने जब लॉकडाउन किए तो वो आपने देखा कि उनकी पीक्स थी और वो बहुत नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ रहे थे शदीद तरीन तरीके से, अमवातें भी बहुत ज्यादा थी। आप लोगों के बकौल अभी तो हमने अपनी पीक टच भी नहीं की है, वो तो 15 जून तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो हम कैसे कह सकते हैं कि हमें फौरन नर्मी कर देनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी वैसे देखा जाए तो खत्म ही है लॉकडाउन डॉक्टर नौशीन, अक्रॉस पाकिस्तान हमें नजर नहीं आता। देखिए लॉकडाउन जिस किस्म का जो सही लॉकडाउन था वो वुहान में हुआ था, उसके अलावा बाकी जितने भी लॉकडाउन हैं वो उनमें वो स्मार्ट लॉकडाउन या पार्शियल लॉकडाउन या कुछ चीजों के साथ वहां पर चीजें चलती रही थी। अब वुहान का आप सबसे पहले तो ये देखें कि चाइना का वो सिर्फ एक सूबा था, पूरा चाइना नहीं था, चाइना के बाकी इलाकों में जो है वो एसओपीज के साथ काम जो थे वो जारी रहे थे। सही। और एक सूबे को बंद करना जो है वो चाइना जैसे एक रिसोर्सफुल मुल्क के लिए कोई मुश्किल नहीं था, उन्होंने लोगों को घरों में खाने पहुंचाए, उन्होंने किसी को घर से बाहर निकलने नहीं दिया, वो उनके लिए पॉसिबल था, हमारे आड़े आ गई है, पॉसिबल नहीं था। जी नहीं, और दूसरी बात ये कि आप हमारा देखें यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड देखें, आप अगर लॉकडाउन करते भी हैं तो आप उन मोहल्लों में किस तरह करेंगे जहाँ पे दो दो मरले के मकान में 20-20 लोग रहते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे मोहल्लों के अंदर हजारों लोग, एक गली में अगर आप जाए तो 400-500 लोग रहते हैं, आप उन लोगों को लॉकडाउन अगर आप बाहर सड़कों पर कर भी देंगे, आप उन गली मोहल्लों के अंदर किस तरीके से उस चीज को इम्प्लीमेंट कराएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है हमारे मुआशरे में और हमारे सेटअप के अंदर। तो फिर हमारे यहाँ, अच्छा ये क्योंकि पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि मुल्क की जो कच्ची आबादियां हैं या इवन अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड हमारे यहाँ ऐसे हैं जिसमें एक एक घर में हाउस होल्ड साइज बहुत बड़ा है, सबके अलग अलग कमरे नहीं होते, लेकिन फिर मकामी मुंतकली को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी है इस वक्त? देखिए इसके लिए जो लॉकडाउन है वो इसका सोल्यूशन नहीं है। हाँ, जो हाई रिस्क चीजें हैं जिस तरह से आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया है कि कुछ चीजों को बंद रखा जाएगा, जैसे शादी घर है या ये जो स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज वगैरह जो है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर बड़ी बड़ी तादाद में अवामी इस्तेमाल होते हैं, उन चीजों को ये अवॉइड की जा सकती है, तो इन जगहों को बंद किया जाएगा। मगर जो कारोबार है जिसके साथ गरीब की रोजी जुड़ी हुई है, जिसके साथ आपकी मईशत का पहिया जुड़ा हुआ है, उसके लिए एसओपीज के साथ जो सेफ इंडस्ट्रीज है वो जैसे पहले भी डिफाइन की गई थी, लो रिस्क इंडस्ट्रीज लो रिस्क का जो कारोबार है उनको जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है। मगर अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जो छोटे छोटे दुकानदार और ये जो छोटी बाकेट्स है, उन्होंने जो गवर्नमेंट से एक कमिटमेंट करके गए थे कि हम एसओपीज को फॉलो कराएंगे, वो नहीं कर रहे। अच्छा, पहले मैं आपसे आगे चल के ज्यादा बात करूंगी, जरा अपने ओपनिंग रिमार्क्स हम ले लें बैरिस्टर आमिर हसन से और अली गौहर साहब से। बैरिस्टर साहब, क्या समझते हैं, बिल्कुल ठीक है ये बात कि मईशत ने भी चलना है, हमारे यहाँ वो वसाइल भी नहीं है इस मुल्क के पास, और ना हमारा जो पूरा सेटअप है इस मुल्क का, लोगों का, वो ये अफोर्ड कर सकता है कि हम लॉकडाउन करें। ऐसे में मकामी मुंतकली महज एसओपीज पर अमल दरामद करके ही की जा सकती है, जिसमें तमाम सूबे फेल हो रहे हैं बुरी तरह। बहुत शुक्रिया नादिया, ये आज की बात है कि आप जो मकामी मुंतकली है उसे रोकने की और कम करने की बात करते हैं। जब इसका आगाज हुआ था और प्राइम मिनिस्टर मोहतरम आके कंफ्यूजन पैदा ना करते और एक ठीक वाला 15 दिन का या एक महीने का लॉकडाउन हो जाता, जो हम लोग मार्च और महीने में गुमगू की कैफियत में रहे हैं, लॉकडाउन रहा भी है लेकिन लॉकडाउन के पॉजिटिव असरात नहीं हो सके, कि मुल्क की क्यादत करने वाला वज़ीर-ए-आज़म कहता था कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा बारिश, तो लेट्स कम इन प्रेजेंट, व्हाट कैन बी डन नाउ, अब तो ये हो गया सब। अब जो है ना, अब हमें इन बातों से बहुत आगे बढ़ने की जरूरत है। आज जो चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट दी गई है पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब को, वो ये है कि लाहौर के अंदर तकरीबन 6,70,000 केसेस हैं। जी बिल्कुल। और कोई इलाका कोई घर से नहीं बचा। अब मुझे बताएं कि अब तो मामला, आप क्या एसओपीज आप सिखाएंगे सबको, अब ये 10 लाख जो टाइगर्स हैं अब ये तमाशे बंद करें, अब फौरी तौर पर आपके जो क्वारंटाइन सेंटर हैं उन्हें फील्ड हॉस्पिटल्स में मुंतकिल करें, वेंटिलेटर्स बढ़ाएं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को फौरी तौर पे हुकूमत उनके साथ निगोशिएट करे या उन्हें नेशनलाइज करे फॉर द टाइम बीइंग 3 months, 4 months, 6 months, या उनके अंदर कोरोना के जो वार्ड्स हैं उनके अंदर कंट्रोल संभालें, जो आपके
फिजिशियंस हैं जो गली मोहल्लों में लोग होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें पूरे पीपीईज प्रदान करें ताकि वो लोगों के इलाज के लिए आएं, अब फौरी तौर पे अगली तरफ भागें। अभी भी ये हुकूमत तीन महीने पीछे है। देखें आज भी वजीर आजम ने नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के फैसलों पे एतमाद में नहीं लिया, कौम की बदएतमादी में एक दफा फिर इजाफा किया है। उन्होंने फिर ये बताया है कि E7 वाले कर रहे हैं फलाने, इसका मतलब है आप मायूसी फैला रहे हैं। आप बता रहे हैं कि गरीब के लिए कुछ रियासत नहीं कर सकती आप बीमारी। अब मैं खुदा के लिए कहता हूँ, आप लोगों से भी दरख्वास्त करता हूँ नादिया के टेलीविजन के ऊपर डॉक्टर्स को ऑनलाइन लेके आए, टेलीविजन पे लेके आए, वो लोगों को बताएं। नहीं लेकिन हम तो मुस्तकिल ना रहे हैं, डॉक्टर्स कुछ बताते हैं फिर जब हमारे नहीं, जब हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो एक दूसरी सूरत हाल बताते हैं। नादिया मैं ये सूरत हाल पे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो पेशेंट्स हैं अब जो घरों के अंदर है, अब घरों के अंदर है, उन्हें सहूलतें फराहम करने के लिए उन्हें बताएं। अब खौफ बहुत पैदा हो गया, अब बताएं कि अगर 1200-1500 लोग इस बीमारी से गए हैं तो वो कितने सीरियस थे, उन्हें कौन सी बीमारियां थी, कौन से लोग इस वल्नरेबल लोग हैं, किन के लिए ये मुश्किलात है, किस एज के लिए है और किन के लिए ये आसानी है। आखिर 25,000 लोग बगैर दवाई के ठीक हो के घरों पे भी बिल्कुल आपने सही कहा। तो अब इससे इसको मुझे नादिया आखिरी इससे खुदा के लिए इस खौफ की फजा से निकाले। इस नालायक हुकूमत ने इसके लॉकडाउन की ये जो ईद से पहले इन्होंने किया अब वो फैल चुका है। अगर ये रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर को गई है कि लाहौर में 7 लाख लोग हैं तो अब ये पुरानी बातों के ऊपर ना बैठे कि 10 लाख टाइगर्स जाके बताएंगे कि हाथ दो तो इससे काम ठीक रहेगा। ये सब मुंतकली हो चुकी है, मुंतकली हो चुकी है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये एक रिपोर्ट है। और अली गौहर साहब आप क्या कहेंगे इसमें, ओपनिंग रिमार्क्स में आपके भी चाहूंगी, जो हो गया सो हो गया, अब कंटेनमेंट स्ट्रेटजी जैसे बैरिस्टर साहब ने कही कि अस्पतालों की अवेलेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना, लोगों में एक खौफ की फिजा को खत्म करना, ये और डॉक्टर्स को वो तमाम चीजें फराहम करना है, तो ये सब चीजें तो हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्ड किया, जनरल नदीम साहब सब बताते भी हैं, वेंटिलेटर्स की भी अवेलेबिलिटी है, मजीद भी आ जाएंगे, PPEs भी सबको दिए जा रहे हैं, N95 मास्क का भी बहुत जिक्र है, फिर क्यों डॉक्टर्स हमारे ये शिकायत कर रहे हैं और क्यों, why are doctors falling into it? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया सबसे पहली बात तो ये है कि जो जमीनी हकायक हैं हम उनको जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। इस वक्त एक्चुअली सूरत-ए-हाल ये है कि डे वन से ही ये गवर्नमेंट इस पूरे कोरोना का जो भी इशू है बैन-उल-अक़वामी है और पाकिस्तान तो खास तौर पर आपको पता है कि रमजान शरीफ के एंड में और अब ईद के बाद जो है वो कोरोना केसेस के कितनी स्पीड के साथ बढ़ रहे हैं जी। जब ये लॉकडाउन खत्म करने की बात कर रहे थे और इन्होंने लॉकडाउन खत्म किया रमजान शरीफ के एंड में तो पूरी ऑपोजिशन और हमारी पार्टी तो बिलखसूस ये कह रही थी कि भाई आप लॉकडाउन बगैर तैयारी के खत्म ना करें, आप खत्म जरूर करें, उसमें कमी लाएं, लेकिन उसकी आपके पास देखें कि जो आपने SOPs बनाए हैं उस उन पर इंप्लीमेंट करवाना किसका काम है, गवर्नमेंट ने करवाना है कि ऑपोजिशन ने, गवर्नमेंट ने करवाना है, जो लोग चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, जो वज़रा हैं, जो सेक्रेटरीज हैं, जो इनके DC कमिश्नर हैं, पूरी हुकूमत किधर है, वफाकी हुकूमत कहाँ है, पंजाब की सूबाई हुकूमत किधर है। वो तो आज तो कहा है ना वजीर आजम ने कि देखें इनके ऊपर बड़ा प्रेशर है, ये अपना काम कर रहे हैं, हमारी पुलिस हो गई, हमारे सिक्योरिटी पर्सनल हो गए, वो तो बेचारे जब से लगे हुए, इसीलिए 10 लाख के टाइगर फोर्स भी काम करेगी। अब नादिया असल इशू ये है कि जो इनकी हुकूमत है उसके जो वज़रा हैं, इनके प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर हैं, वो प्रॉपर उनको खुद विजन क्लियर नहीं है कि कोरोना को कैसे डील करना है। आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ वोटो लिया, सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने क्या जवाब दिया कि हमारा एक NDMA ने बताया, मौजूदा हुकूमत का जो इस हुकूमत का इदारा है उन्होंने कहा जी कि 25 लाख रुपए फी पेशेंट हमारा खर्चा आ गया। जब उन्हें कहा कि जब आप ये जो पैसे भेज रहे हैं 11,000 रुपए ये कहां से भेजे, ये पहले कहते थे कि हमने अलग रेन किया, इन्होंने वो बताया कि हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से हम उनको दे रहे हैं लोगों को, तो ये तो झूठ बोलते हैं, कोर्ट में जाके कुछ बयान देते हैं। मुझे बताने
इधर किसी एक पेशेंट के ऊपर 25 रुपए भी इन्होंने खर्च किए तो बताएंगे, ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके बता रहे हैं। अच्छा तो अलीगढ़ साहब, अब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। देखिए जो मैं वही कह रही हूँ अपने मोहतरम मेहमानों से, जो माजी में हो चुका है अब तक वो हो चुका है, इस वक्त जो सिचुएशन है प्रेजेंट जिसमें अभी सजेशन चाहिए ऑपोजिशन से क्या करना चाहिए, जरा ब्रेक लेते हैं। डॉक्टर नौशीन हामिद, टाइगर फोर्स कितनी ट्रेन है इस पर बात करेंगे, क्या पहले उनको ट्रेन करना पड़ेगा, हमारे डॉक्टर्स समझा समझा के थक गए, इतने पब्लिक सर्विस मैसेजेस चल रहे हैं उसमें हमारी कॉम नहीं समझी तो क्या टाइगर फोर्स समझाएगी। दूसरी बात यह है कि हॉस्पिटल्स की जो नेशनलाइजेशन की बात की है बैरिस्टर आमिर ने कि फॉर द टाइम बीइंग आप करें या सब्सिडाइज करवाएं प्राइवेट हॉस्पिटल से, सरकारी अस्पताल को भी बढ़ाएं और फील्ड हॉस्पिटल्स को भी बढ़ाएं। फिर जो चीफ मिनिस्टर पंजाब को रिपोर्ट दी गई अबाउट ऑलमोस्ट 7 लाख केसेस ऑफ कोरोना जस्ट इन लाहौर, इस पर क्या वजीर आजम को कोई तशवीश है? लेट्स टेक अ ब्रेक एंड डिस्कस दिस। वेलकम बैक डॉक्टर नौशीन हामिद, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हेल्थ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं। अली गौहर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कौमी असेंबली के मेंबर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन हमारे साथ हैं। डॉक्टर नौशीन, वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइगर फोर्स जिसका आज जिक्र भी किया, ये बात ऑपोजिशन बिल्कुल इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। एज अ ले मैन शायद मुझे भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है कि हमारे डॉक्टर्स जो कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, हमारे पैरामेडिक्स, हमारा हॉस्पिटल स्टाफ जो इस चीज़ में लगा हुआ है, दे ऑल आर बीइंग कॉन्ट्रैक्टेड वन आफ्टर द with COVID-19, टाइगर फोर्स क्या बेचारी ट्रेंड है, हम उनको कैसे बचाएंगे इस चीज से जब वबा है ये, वो कहां जाके समझाएंगे लोगों को? हाँ जी नहीं, ऑब्वियसली जब ये टाइगर फोर्स जो है इसके मल्टीपल फंक्शंस है और इससे तो पूरी दुनिया में जहां पर भी ये वबा जा रहा है पूरी दुनिया में मौजूद है, हर जगह पे जो है वो वॉलंटियर फोर्सेज जो है वो काम कर रही है। ऑब्वियसली जब ये इस फोर्स को उतारा जाएगा तो एक इनकी स्पेशलाइज ट्रेनिंग है जो कि बहुत सारे शहरों में शुरू भी हो चुकी हुई है, तो उस ट्रेनिंग के तहत इनको प्रॉपर एसओपीज के साथ और प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर के साथ जो है इनको फील्ड में भेजा जाएगा। अगर ये लोग कौन है, ये वही लोग है ना जो इन्हीं मोहल्लों में इन्हीं इलाकों से रहते हैं, तो क्या पहले इनके टेस्ट किए जाएंगे? क्योंकि जैसे आज वजीर आजम ने कहा ना कि किसी को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, इज मोर वल्नरेबल, तो क्या ये सारी चीजें इनकी की गई है? एंड दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टेस्टिंग, 10 लाख लोगों के लिपिड प्रोफाइल करने बैठ जाए अगर हम और उसके बाद इनको डायबिटीज करने बैठ जाए। बिल्कुल, इस वक्त जैसे अभी ये बात कर रहे थे कि लोगों ने अपने अपने क्रिएट करे, कौन मर रहे हैं, किसकी कौन ज्यादा इफेक्ट हो रहे, तो ये तो बहरहाल में आप मीडिया वालों ने भी इसके बारे में बहुत अवेयरनेस दी और आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बताया कि हमारे मुल्क में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है जिसको हम हार्ट डिजीजेज और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वगैरह जिसको कहते हैं, जो उसके क्रॉनिक पेशेंट्स हैं उन लोगों के अंदर जो है वो डेथ रेट जो है वो ज्यादा है। और ये वो तमाम बीमारी है जो कि लोगों को पहले से पता होती है, जो डायबिटिक है उसको पता है, डायबिटिक को वो मेडिसिन के ऊपर होता है, हाइपरटेंशन वाले हो, हार्ट डिजीज वाले हो, तो उनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि उनको ये मैसेज हमारा है कि लोग उनको हर फैमिली में इस तरह के लोग होते हैं कि उनको ज्यादा प्रोटेक्शन दे, उनको ज्यादा आइसोलेशन दे। एंड दे आर नॉट पार्ट ऑफ द टाइगर फोर्स एंड वी आर वेरी श्योर अबाउट दैट। जी, टाइगर फोर्स के मल्टीपल फंक्शन है, ना सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना। नहीं नहीं डॉक्टर नौशीन, मैं कह रही हूँ कि हम ये श्योर, हम श्योर हैं कि 10 लाख बंदा जो इस वक्त वॉलंटरी रजाकाराना तौर पर मदद करेगा उनमें से किसी को ना डायबिटीज है ना ही ये ऐसी बीमारियां हैं जिससे उनकी अपनी जान को खतरा है। देखिये, इसमें ज्यादातर जो है वो यूथ ने अपने आप को रजिस्टर कराया और यूथ में 99% जो है वो ये बीमारियां नहीं होती, इसके अंदर मेजोरिटी जो है वो यूथ है और हमें चाहिए भी इसी तरह के एनर्जेटिक और हेल्दी लोग हैं जो कि जाके एक्टिवली जो है ये काम परफॉर्म कर। माजरत के साथ, खैबर पख्तूनख्वा की एक तस्वीर भी आई थी जिस वक्त टाइगर फोर्स की पूरी रजिस्ट्रेशन हो रही थी, उसमें ज्यादातर इतने ज्यादा एजड नजर आ रहे थे, वेरी क्लियरली अबव 50 भी नजर आए। मैं इसलिए हैरान हूँ कि वी हैव टू बी श्योर, मैं ये नहीं कह रही टाइगर फोर्स गलत है, बिल्कुल इसको करें, बट ये एसओपीज होने चाहिए। आप बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं, पर जाहिर है कि इन सारों की कैटेगराइजेशन हो गई है इनकी स्पेशलिटी के मुताबिक। इनमें से बहुत सारे हो सकता है कि वो ऑनलाइन बैठ के जो डॉक्टर्स जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया है सीनियर डॉक्टर्स ने, क्योंकि अभी बात इससे पहले हुई थी तो टेली हेल्थ का भी जो है वो प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च हो चुका है और इसके ऊपर डॉक्टर्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। अगर कोरोना से रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई सिम्टम्स हो, कोई क्वेश्चन हो, तो टेली हेल्थ का सिस्टम भी चल पड़ा हुआ है
तो वो लोग उनको उनके मुताबिक उसमें उनको इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। अच्छा तो सही, हर एक को उनकी एज और उनकी स्पेशलिटी के हिसाब से जो है वो यूटिलाइज किया जाएगा। ये बड़ा बड़ी जिम्मेदारी का काम है इस वक्त वफाकी हुकूमत पर, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है टाइगर फोर्स की, मतलब पूरी मुल्क की तो है ही, लेकिन टाइगर फोर्स की अलग आप लोगों ने ले ली है। आई होप यू नो दिस इज अ सक्सेस स्टोरी। कमिंग टू यू बैरिस्टर साहब, आज प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि लोग जो पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, बिल्कुल सही बात है, बजा है, बे इंतहा जरूरी है कि उनको फौरन लाया जाए, क्योंकि किसी की जॉब, ज्यादातर लोगों की जॉब्स चली गई हैं, खाने पीने के पैसे नहीं हैं, एंड वी नो हाउ दे स्टे इन द मिडल ईस्ट, वो वाला सेक्टर की मैं बात कर रही हूँ या वो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। वापस आएंगे, सिर्फ एक टेस्ट होगा, घर चले जाएंगे, ये तरीकाकार सही है? देखें, यही तो तरीकाकार ने हमें पहले मरवाया है, लेकिन बहरहाल अब तो हालात जैसे हो गए, अब मुझे नहीं पता लेके उन्हें आना चाहिए, लेकिन जिस तरह ये लेके आ रहे हैं, जिस तरह पीआईए के किरायों के अंदर इन्होंने इजाफा किया है और उन लोगों को लूटना शुरू किया है जिनसे सारी जिंदगी इमरान खान साहब बात बात पे फंड मांगते रहे हैं, आज वो सारे बेचारे बाहर मुसीबत में है, तो जिस तरह पीआईए के किरायों में इजाफा कर दिया गया है वो आपके सामने है। मैं समझता हूँ प्रॉपरली तो ये किसी चीज को हैंडल नहीं कर सके, नहीं, मैं फिर क्वारंटाइन सेंटर्स इतने हैं नहीं, जल्दी लाएंगे, बस वहीं एयरपोर्ट पे टेस्ट करेंगे, जाने देंगे। अब तो मेरे ख्याल से नहीं है ना, अब तो बहुत सारी चीजें, तो मैं तो इवन क्वारंटाइन सेंटर, ये जो आम पेशेंट्स के लिए भी, अब तो मैं नहीं समझता कि उनकी कोई अफादियत रही है। क्वारंटाइन आप घरों में करवाएं, हॉस्पिटल्स बढ़ाएं, उन क्वारंटाइन सेंटर्स को फील्ड हॉस्पिटल में कन्वर्ट करें। अब जो हालात है हमें उसकी तरफ जाना है नादिया, अब हमें ये तमाशे नहीं करने। अब देखें ना, टाइगर तो इलेक्शन सिंबल है पीएमएलएन का, इन्हें टाइगर फोर्स बनाने की, वो लायन है खान साहब का, थोड़ा सा फर्क है। टाइगर 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 टाइगर, अच्छा टाइगर ही है जो टाइगर है, टाइगर है, टाइगर उनका है इंग्लिश में जो जिसे कहते हैं। अब इमरान खान साहब के कुत्ते का नाम कट टाइगर था, और दूसरा आज इन्होंने डीआईजी ने वहां पे नोटिफिकेशन किया है कि केपी के पुलिस के जवानों को शेरू कहा जाएगा, वो भी इमरान खान के कुत्ते का नाम है। अब देखे ना, खुदा के लिए पाकिस्तान के 10 लाख नौजवानों की ये तजलील ना करें कि अपने कुत्ते के नाम पे फोर्स रखा जाए तो उस पर रखें, और केपी के जवानों की, पुलिस के जवानों की आप ये तजलील करें कि उनका नाम आप शेरू रखें। क्या आप इस मुल्क से क्या बदला लेने आए हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। देखे इस वक्त नादिया, जरूरत ये थी कि आप उन चीजों की तरफ आए जो जरूरत है। हम सारी जिंदगी मियां शहबाज शरीफ की मुखालिफत करते रहे हैं एज चीफ मिनिस्टर पंजाब, लेकिन आपको याद है कि जब डेंगी आया यहाँ पे तो उन्होंने तमाम लेबोरेटरीज के अंदर 90 रुपए के अंदर कर दिया सबका जो था टेस्ट का। आज 3,000 से शुरू हो के 10,000 तक है टेस्ट का फीस जो है, और जो 10,000 है सबसे ज्यादा वो इमरान खान साहब के हॉस्पिटल की है, शौकत खानम की। क्या ये कमाई का वक्त है? क्या इस वक्त हुकूमत को फौरी तौर पे एक मिनिमम किस्म का रेट मुकरर करना चाहिए था? अब देखिए, अगर किसी घर के 7 या 10 अफराद है तो अगर वो पहली दफा ही उसका टेस्ट करवाए तो उसे 1 लाख रुपया चाहिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में तो टेस्ट हो रहे हैं ना, जो 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 गवर्नमेंट्स करा रही हैं, सुबाई हुकूमत है। नहीं, नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ कि टेस्टिंग कैपेसिटी आज पूरे पाकिस्तान की 12,000 है, और आज रिपोर्ट है पंजाब की कि 7 लाख के करीब लोग लाहौर में इंफेक्टेड है, तो फिर कौन सी आपके पास टेस्टिंग फैसिलिटी है? कब तक ये 7 लाख का फिगर आप पूरा करेंगे? इसका मतलब है आप नहीं कर पा रहे हैं। आपको एनडीएमए ने कहा था कि हम 50K तक, 50,000 तक लेके जाएंगे, बिल्कुल सही, लेकिन 12,000 और 13,000 से हमने बढ़ाया नहीं है। टेस्टिंग कैपेसिटी आपकी नहीं बढ़ी, पीपीपी आप फराहम नहीं कर रहे, हमारे फ्रंट लाइन पे डॉक्टर्स और नर्सेस जिस बुरे तरीके से शिकार हो रहे हैं, हम तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं फराम नहीं कर रहे, अब तो हम खुद बना रहे हैं। बस वो जो हम करते हैं वो कमाने के लिए, कुछ बिजनेसमैन हैं जो कर रहे हैं, जिनका बिजनेस है। मैंने बताया कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब का जो हॉस्पिटल है शौकत खानम, वो भी कमाई कर रहा है। चलिए, आपने सजेशन बड़ी अच्छी दी है, क्योंकि वक्त कम है। एक आखिरी, एक और बात मुझे करने दे, मैं फिर कहता हूँ कि खुदा के लिए ये सियासी तमाशे बंद करें, लोगों के इन मसलों को समझें। अब कोरोना फैल चुका है, अब इससे इसकी जो फजा है खौफ की वो खत्म करें और मिलजुल के लोगों के लिए करें। ये टाइगर फोर्स क्या करेंगे? ओके, अली गौहर से भी पूछ लेते हैं आखिरी में, जी काम करें फौरी तौर पे जो कर सकते हैं। जी अली गौहर साहब, पंजाब में आप भी हैं, जो मसाइल हैं, जाहिर है डेंगी कोर्ट किया, एक लीडरशिप कोर्ट की, लेकिन डेंगी में और वबा में बड़ा फर्क है कोरोना की। अब जाहिर है मुल्क को बंद नहीं कर सकते, ये तो बात तय है,
इस वक्त बहुत जरूरी है। क्या ये ट्रेनें बढ़ाना आपके ख्याल में सही फैसला है कि ट्रेन्स को भी बढ़ा दिया गया है और पाकिस्तानियों को जो लाने के हवाले से कि टेस्ट करके घर भेजें, पॉजिटिव हुए तो घर में रहें, इसको मैन करना कितना जरूरी होगा और क्या ये गवर्नेंस आपको नजर आ रही है? मैं आपको इनकी गवर्नेंस की मिसाल एक छोटी सी देता हूँ कि नादिया इस वक्त सूरत हाल ये है कि 6 से 7 चीफ सेक्रेटरीज पंजाब के ट्रांसफर हो चुके हैं इन पौने 2 साल में, और जो इस वक्त चीफ सेक्रेटरी है उनकी भी चीफ मिनिस्टर के साथ इख्तलाफात की खबरें जो है वो आज टीवी पर चल रही थी। तो यहाँ से तो आप इनके एडमिनिस्ट्रेशन को चेक कर सकते हैं या इनकी गवर्नेंस को चेक कर सकते हैं कि इनकी क्या सूरत हाल है। बाकी ये देखें कि जो आज समरी भेजी है सेक्रेटरी हेल्थ ने चीफ मिनिस्टर को, जिसका पहले जिक्र हो रहा है प्रोग्राम में, कि इतने 6 लाख जो है वो पेशेंट एक्सपेक्टेड है लाहौर में इस वक्त मौजूद है और SOPs पर टोटली ये हुकूमत जो है वो नाकाम हो चुकी है, लोगों को फैसिलिटेट करने में ये गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है। सिर्फ पंजाब हुकूमत नहीं, माजरत के साथ सिंध में भी हम यही देख रहे हैं, लोगों से अमल दरामद कराने में या तो कोई प्यूनिटिव एक्शन होना चाहिए, मतलब इस पर कुछ सोचना चाहिए कि या तो रेप्रिमांड करें लोगों को, कुछ तो करना होगा, अपनी मर्जी से तो नहीं कर रहे लोग SOPs पर। नादिया मैं ये गुजारिश करूंगा कि इनको चाहिए था कि ये लोगों को, आप देखें कि जो पेशेंट उधर जाते हैं हॉस्पिटल में, आप लोग शिकायत भी कर रहे हैं, ये एक अलग मिस्ट्री है कि गवर्नमेंट जो के पॉजिटिव पेशेंट नहीं है, जो सीरियस पेशेंट होते हैं, अब उसके पीछे पता नहीं इनको फायदा क्या है, वो कहते हैं कि जो हमारे सीरियस पेशेंट होते हैं उनको पॉजिटिव डिक्लेयर कर दिया जाता है और पॉजिटिव डिक्लेयर करने के बाद उनको कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं दी जाती, उनको हालात के रेमोकरण पर छोड़ दिया जाता है। जबरदस्ती लोगों का इलाज ना करे। आई थिंक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस है कि लोग इस तरह भी परेशान है कि लोग कहते हैं कि ये कुछ भी हो रहा है। मैं ये आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं, जिनके पेशेंट्स वापस आ रहे हैं हॉस्पिटल से और एक लेबोरेटरी का टेस्ट पॉजिटिव होता है, एक का नेगेटिव होता है, ये सिर्फ बाहर से पैसा ले लेके खा रहे हैं। ये एक शिकायत आपकी बिल्कुल सही है, ये शिकायत हर जगह आ रही है और शायद डॉक्टर नौशीन आपके भी इल्म में होगा कि कहीं पॉजिटिव टेस्ट और कहीं किसी लेबोरेटरी से नेगेटिव टेस्ट। वेल बिकॉज अनफॉर्चुनेटली टाइम ख़त्म हो गया है, ये डिस्कशन तो हमारी चलती रहेंगी, कोरोना ने बढ़ना भी है, अमवात भी बढ़ेंगी, लेकिन नथिंग क्वान्टिफाइज और क्वालिफाइज फॉर अ सीरियस लॉकडाउन इन पाकिस्तान, सब कुछ साथ चलता रहेगा। SOPs पर अमल दरामद कराने की बेइंतहा ज़रूरत है, बहुत सारे सजेशन हैं जो अपोजिशन ने इस प्रोग्राम में दिए, आई होप एवरीबडी यू नो सिट्स डाउन एंड देयर शुड बी वन स्ट्रैटेजी। अब ये बात ख़त्म हो जानी चाहिए कि लॉकडाउन नहीं चाहते थे फिर भी कर लिया, 18वीं तरमीम के बाद जो है वो सूबों का इख्तियार है, इस वक्त की बात हमें करनी चाहिए कि व्हाट इज द स्ट्रेटजी राइट नाउ, हाउ आर वी गोइंग टू नाउ स्टॉप द कम्युनिटी स्प्रेड, विल टाइगर फोर्स डू इट? इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।